दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो इस ये विंडो का वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो फिटिंग करने वाले हैं। तो उससे जो है वेंटिलेटर का पल्ला फिटिंग करने से पहले हम जो ये विंडो का पल्ला 4 पीस बच गया है 5 फीट वाला, तो उसको हम पहले फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखें, ये है 5 फीट का विंडो पल्ला। तो यहाँ पर हमने 3 पीस रखा हुआ है और 1 पीस आगे रखा हुआ है। और उसके बाद ये वेंटिलेटर देखिए, ये वाला भी है। तो सबसे पहले जो हम विंडो का पल्ला लगाने वाले हैं यहाँ पर इस चौकट पे, तो ये 1 पीस पल्ला जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमने ये रैबिट जो है हल्का सा मशीन से थोड़ा सा कटिंग करके और हाथों से भी थोड़ा सा कटिंग कर लिया कुछ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर मशीन तो अच्छी तरह से चला नहीं सकेंगे, इसके वजह से हाथ से ही कटिंग करके जो है ठीक करना पड़ेगा। तो हमने ये देखिए थोड़ा बहुत इस तरह से कटिंग करके रख लिया मशीन से, ये देखिए। तो अभी इसको निकालना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे थोड़ा लगा हुआ है, इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो इसको पहले फटाफट से कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम ये वेंटिलेटर का काम वो शुरू करेंगे। तो आज जो है दोस्तों, हम विंडो का वो चार पीस जो है 5 फीट का पल्ला वो भी फिटिंग करेंगे, और उसके बाद ये वेंटिलेटर भी जो है वो लगाने वाले हैं। और ये वाला तो अभी हमने तैयार नहीं किया वेंटिलेटर जो, ये अभी बाद में हम इसको तैयार करेंगे। पहले हम ये जो ये सब पल्ला है इसको बनाकर फिटिंग करके कंप्लीट करेंगे, फिर इसको लास्ट में हम इसे ठीक करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ये वीडियो कैसा लगता है। तो बने रहे वीडियो पे। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने चौकट पर जो है इसके रबिट जो कटिंग करके पूरी तरह से कर दिया है कम्प्लीट। तो दोस्तों, बहुत समय लग गया हम इसको कटिंग करने में, तो सारा जो हमने हाथों से ही कटिंग किया, इसमें मशीन लगाना बिल्कुल भी नहीं सक रहा था, बहुत ही मुश्किल हो गया। तो ये देखिए कितना सारा ये कचड़ा निकल गया इसे कटिंग करते हुए। तो अभी चलिए बिना देरी के इस पर विंडो का पल्ला जो है वो लगाते हैं फटाफट से। तो हमने विंडो का पल्ला भी लेकर रख लिया यहाँ पर कुछ तरह से, तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वाला विंडो का पल्ला जो है वो फिटिंग हो गया है। अब इस तरफ का 3 पीस बाकी है, तो चलिए अब ये पल्ला भी है जो फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने विंडो का पल्ला जो है चारों लगाकर कर दिया है कंप्लीट। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया, और गर्मी भी हो रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा। तो आज तो बारिश आने वाला नहीं है शायद, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो बता नहीं सकता पिछ बेला क्या हो सकता है, बारिश भी आ सकता है, कोई पता नहीं। तो अभी हमारा विंडो का पल्ला तो लगाकर हो गया है, लेकिन अभी ऊपर वाला वेंटिलेटर जो है वो लगाएंगे। तो चलिए ऊपर का वेंटिलेटर वो लगाने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सारे वेंटिलेटर के पल्ला को जो है दाग लगाकर कर दिया है कंप्लीट। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने दागी लगा लिया है, तो हमने इस तरह भी लगा दिया यहाँ पर। तो इसे लगा के हमने इस तरफ कील भी मार लिया, 4 पीस हमने कील मारकर रेडी कर लिया। तो अभी उसको हम बाकी को सारे को कील मारेंगे इसी तरह से, मारकर जो है दागी इसका साइज लेने वाले हैं। तो इसको साइज लेने के लिए हमें वहाँ ले जाना होगा ऊपर, तो वहाँ ले जाकर फिटिंग वहाँ रख कर जो है तभी दागी लगा सकेंगे। तो चलिए अभी इसके फटाफट से जो है दागी लगाते हैं। दोस्तों, हमने विंडो का पल्ला फिटिंग करने के लिए हमने ये टेम्पररी जो है सीढ़ी बना लिया है ऊपर चढ़ के जो है वहाँ पर विंडो पल्ला दाग लगाने के लिए। तो चलिए अभी हमारा ये सीढ़ी जो बनकर हो गया है रेडी, तो अभी विंडो का पल्ला जो है वो ऊपर ले जाकर निशान उसका लगाते हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है फटाफट लगा लेते हैं अपना निशान जो है वो।
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने निशान लगाकर जो है कर दिया है कंप्लीट। तो अभी चलिए बाकी सारे पीस को जो है जितने भी हो सारे पीस को हम फटाफट से दागी लगाकर करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने विंडो को पल्ला ये जितने भी थे हमने वो सारे दाग लगाकर कर दिया है कंप्लीट सारे। मतलब और भी बाकी है, ये तो हमने बनाया नहीं था इसलिए हमने दाग नहीं लगाया। यहाँ पर सिर्फ हमने 18 पीस जो है वो दाग लगाकर रेडी कर लिया है। और इस तरफ देखिए यहाँ पर हमने वो ऊपर में दो पीस रख दिया है, वहाँ पर उसको अभी दाग नहीं लगाया क्योंकि उस पर रैबिट का कटिंग जो वो हमने नहीं किया है, सिर्फ उसको जो है पहले हाफ इंच कटिंग करके रखा हुआ था वैसे ही है, इसलिए हम उसको कटिंग नहीं किया। उसको पल्ला को भी ले जाकर विंडो पल्ला जो है हमने वहीं रख दिया है, तो उसको हम कल करेंगे। तो आज जो है ये सारे जो दाग लगा है इसको हम कटिंग करके फिटिंग करने वाले हैं। तो चले दोस्तों फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये देखे निशान जो है वो लगा दिया है, इसको कटिंग करके जो फेंकेंगे इसके साइड वाले, तो हमने दोनों साइड लगाकर कर दिया है कम्प्लीट। तो अभी चलिए इसी तरह जितने भी हैं वो सारे पीस को जो है दाग लगाकर करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने सारे पीस को जो है दाग लगाकर कर दिया है कम्प्लीट। तो अब चलिए इसको कटिंग करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये दो पीस जो कटिंग करके पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट, और कुछ इस तरह से हो गया है। अब इस यहाँ पर जो साइड में थोड़ा सा बाकी है, इसका हम जो है फिटिंग करते समय जो रंडा मार के थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको मिलाने के लिए हमने ये थोड़ा सा जो है दाग रख दिया है। तो अगर हमें इस पूरा दाग को अभी एक ही बार में कटिंग करते हैं तो फिर बाद में अगर लूज़ हो जाता है फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा रख लिया इसको ताकि थोड़ा सा मिला मिला के हम उसको फिटिंग कर सकें। तो चलिए अभी ये सारे पीस जो है वो सब कटिंग करके करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पर चार पीस कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है, और इस तरफ एक पीस हमने कटिंग करके इस साइड हमने टुकड़ा कर लिया है, और इस तरफ अभी चीरने का काम जो बाकी रह गया इस साइड वैसे दोनों साइड बाकी रह गया, और बिजली भी चला गया अभी, तो उसका वजह अभी हमारा काम होने वाला नहीं है क्योंकि हल्का हल्का सा बारिश भी आया। तो हमने लेकर आया था कल में कलर जो है, हमने वो लेकर आया था, चलिए आपको दिखाते हमने कलर जो विंडो का पल्ला में कलर करने के लिए क्या क्या कलर लेकर आया वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने ब्रश ले लिया है 3 इंच का ब्रश, तो हमने ये 3 इंच ब्रश से 2 पीस लेकर आ गया हूँ। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये एशियन पेंट का पेंट कंपनी का टाचवुड बोलता है ये, तो टाचवुड पॉलिश है ये, तो कला करने का बिल्कुल इसी तरह से ग्लेजिंग आने वाला है, तो ये उसी के लिए है ये। तो ये इससे जो आपका ये तो फिनिशिंग करने के लिए फिनिशिंग कलर है, ये फिनिशिंग कलर करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा ग्लेजिंग आने वाला है। तो हमने ये 2 लीटर लेकर आया हूँ, तो ये अच्छा क्वालिटी वाला टाचवुड है ये, तो बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है इससे। और ये हमने ले लिया है ये मार्किंग कपड़ा, तो ये मार्किंग कपड़ा हम किससे जो ले उसको हम जो ये कलर करने के लिए, ये तो दोस्तों ये है स्प्रिट बोलता है, तो हाई ग्लोसी वाला ये पॉलिश थिनर है, थिनर मतलब स्प्रिट, यहाँ पर पॉलिश थिनर बोल के लिखा हुआ है, ये स्प्रिट है तो थिनर एक दूसरा ही रहता है लेकिन ये स्प्रिट है। तो ये हमने लेकर आया है 5 लीटर, तो यहाँ पे और भी सारा बोतल रखा हुआ है, और उसके साथ में मिक्स करने के लिए हमने ये लेकर आई है, तो हमने 1/2 kg लेकर आया है, तो ये जो है इसको चास बोलता है, तो चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये चास बोलते हैं इसको, तो ये इस तरह से अगर ये 1 नंबर वाला होता है तो 1 नंबर 2 नंबर का भी रह जाता है। तो दोस्तों 1 नंबर वाला जो होता है ये आप हाथ से इस तरह से तोड़ने से फट से नहीं टूटने वाला है, ये थोड़ा सा मजबूत रहता है, और 2 नंबर वाला होगा तो आप इस तरह से 2 हाथ से दबाएंगे ना तो फट से टूट जाएगा। ये देखिए ये टूटता नहीं आसानी से, टूटने वाला नहीं है, तो 2 नंबर वाला होने से वो फट से टूट जाता है आप अगर इस तरह से दबाते हैं। तो ये तो 1 नंबर है इसलिए टूटा नहीं है, देखिए काफ़ी मजबूत है। तो इसको हथौड़ा से मार मार के इसको तोड़ कर छोटा छोटा पीस करके उसके बाद बोतल में भर कर धूप में सुखाना पड़ेगा, तभी ये पिघल कर जो है उसको घुल मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो और इसके साथ में हमने एक लेकर आया है, ये बोलता है हम इसे बसंती बोलता है, तो इसको जो है मिक्स करना पड़ेगा इसके ये स्प्रिट के साथ में, मिक्स करने से ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आ जाएगा बिल्कुल, जिसका ये पैकेट का जैसे ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ना उसी तरह से ऑरेंज कलर में हो जाएगा ये। तो और इसी को जो है ये मार्किंग कपड़ा बोलते हैं, इसी से हम मारने वाले हैं। तो चलिए अब इसको जो है बोतल में स्प्रिट को जो इस ये चास फटाफट से मीन करके जो है इसको मिक्स कर देते हैं।
इसमें भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बोतल में जो है सारा ढाल लिया है, इसको अभी जो है इसको धूप में सुखाना पड़ेगा ताकि ये कभी अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो इसमें और हम जो ये बसंती जो बोलते हैं ये भी ढाल देते हैं इस पर। इसमें हम ढालकर देखे रख दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रसना ऑरेंज जैसा दिखाई दे रहा है। तभी दोस्तों हमारा जो है ये कलर मिक्स करके जो है पूरी तरह से हो गया है रेडी। तो इसको अभी धूप में सुखाना पड़ेगा तभी ये अच्छी तरह से इसका पिघलेगा, जिसमें हमने चास जो बोलता है हमने अंदर ढाला था ना वो, तो अभी ये पिघलेगा। अभी तो ये पिघलने वाला नहीं है बिल्कुल, जैसे ढाला वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसमें धूप का गर्मी मिलेगा ना तभी तो ये पिघल के पूरा इसके साथ घुल मिल जाएगा, तभी ये कलर कर सकेंगे। तो और ये हमने ये पानी का उसके स्प्रिट जो बोलता है वो हमने इसमें हाफ बोतल रख लिया है और इसमें दोनों में हाफ हाफ बोतल रखा हुआ है। तो इसको इसी यही पानी से जो हाथ धोलाना पड़ेगा बना, अगर ऐसे नॉर्मल पानी से आप हाथ धोने की कोशिश करेंगे ना तो आपका हाथ जो बिल्कुल भी सफ़ा होने वाला नहीं है। तो इसी से हमने इसलिए हमने दो बोतल में थोड़ा थोड़ा सा रख लिया है। तो अभी और ये वाला कलर जो स्प्रिट है ये वाला कलर पहले हम करेंगे, उसके बाद इसको कम करीबन हम दो बार दो तीन बार करेंगे कलर, उसके बाद ही ये वाला ताजपुर जो बोलता है ये फिनिशिंग वाला कलर करेंगे। तो ये तो बिल्कुल फिनिशिंग के लिए किया जाता है, तो इसको भी हम दो तीन बार मारेंगे तभी वो अच्छा ग्लेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों और अभी तो बिजली भी नहीं आया तो हमारा काम भी अब होने वाला है ही नहीं। देखिए पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों रूम का अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसका वजह से हम जो बाहर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने आज ये विंडो का पल्ला जो चार पल्ला जो हमने 5 फीट का वो फिटिंग करके कर दिया है कंप्लीट। अब इसको सिर्फ हैंगर्स और शीशा और कलर करने का काम वो बाकी रहेगा। और इसके ऊपर में देखिए हमने ये दो वेंटिलेटर का पल्ला जो रखा हुआ है ये दोनों सिर्फ बीच में लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 1/2 इंची का जो है ये कटा हुआ है, इसको हमने अभी 1.5 इंची का कटिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको कटिंग नहीं किया, विंडो का पल्ला भी लगाया नहीं वैसे रख दिया। तो इसका हम कल ही फिटिंग करने वाला हूँ। तो और इसके यहाँ का साइड साइड का वाला जो हमने वो आधा बना के रखा उसका अभी बनाया नहीं, उसको हम उसको भी बाद में बनाएंगे। और आज हमने जो जितने भी सारे वेंटिलेटर के पल्ला थे वो हमने सारे दाग लगा कर रेडी कर लिया और हमने 2-4 पीस तो कटिंग कर लिया। उसके बाद बिजली चला गया, उसके बाद आया नहीं, तो उसके वजह से हमारा काम जो है वो हुआ नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो करना पड़ेगा यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।